जय श्री राम एवरीवन। हम आगे बढ़ने जा रहे हैं पीजीबीपी का चैप्टर। हम सीए इंटरमीडिएट का इनकम टैक्स का पीजीबीपी का चैप्टर आगे पढ़ने जा रहे हैं। बेटा अभी तक हमने सेक्शन 28 पूरा किया, मींस चार्जिंग सेक्शन पूरा किया। आई थिंक आपको पूरा सेक्शन माइंड में होगा, जिसमें पहला पॉइंट था हमारा प्रॉफिट एंड गेंस फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन, जो कि एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर था, फर्स्ट पॉइंट। तीन पॉइंट हमारे एक्सपोर्ट इंसेंटिव को लेके थे, एक पॉइंट हमारा इंटरेस्ट को लेके था, इंटरेस्ट सैलरी बोनस कमीशन, जिस पर हमने बहुत सारा टाइम लगाया था लास्ट वीडियो में। उसके बाद हमारा बेनिफिट और परक्यूजिट्स को लेकर था। उसके बाद हमने की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी और किसी एसोसिएशन से अपने मेंबर्स को सर्विस दी जा रही है, ये पढ़ा था। कुछ पॉइंट हमने कॉम्पनसेशन के पढ़े थे, दो पॉइंट, और एक स्टॉक के कन्वर्जन का पढ़ा था। लास्ट में एक पॉइंट था 35AD, जो पॉइंट मैंने आपको बोल दिया था कि अभी फिलहाल फॉर द टाइमिंग हम छोड़ रहे हैं। बट अब हम आगे चल रहे हैं, आगे हमारा जो सिस्टम है, आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सेक्शन 29। तो डिटेल में पढ़ेंगे, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या है सेक्शन 29, इसको पढ़ते हैं। सेक्शन 29, मैंने आपको बताया था पहली क्लास में कि यहाँ पर जो ये चैप्टर शुरू हो रहा है, ये शुरू हो रहा है सेक्शन 28 से, और टोटल सेक्शन कवर हो रहे हैं इस चैप्टर में 28 टू 44 डी। राइट, अभी तक हमने जो पढ़ा है इसमें वो हमने बेटा सेक्शन 29 क्या कह रहा है, प्लीज ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा है इनकम फ्रॉम पीजीबीपी हाउ कंप्यूटेड, मतलब ये सेक्शन हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि जो आपकी पीजीबीपी की इनकम है वो कंप्यूट कैसे होगी, पीजीबीपी की इनकम को हम कैसे निकालेंगे। पीजीबीपी की इनकम के बारे में ये हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि ये इनकम कंप्यूट कैसे होगी, ये इनकम कंप्यूट कैसे होगी। बेटा ध्यान से, सबसे पहले था सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन। चलिए इसे फ्रेश पेज पे बनाते हैं। ये आपको आगे तक काम आएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले था हमारा सेक्शन 28, जो कि हमारा चार्जिंग सेक्शन है। क्या है चार्जिंग सेक्शन, जिसको हमने डिटेल में डिस्कशन किया था। सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन, मतलब सिंपल भाषा में ये बताता है कि कब कब कौन कौन सी इनकम पर पीजीबीपी में टैक्स लगेगा, मतलब कौन कौन सी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। बेटा सेक्शन 29 बता रहा है हमें पीजीबीपी की इनकम कंप्यूट कैसे होगी। राइट, पीजीबीपी की इनकम कंप्यूट कैसे होगी, इसके कंप्यूटेशन में अगर हम बनाएं तो फर्दर तीन बातें ये बता रहे हैं। इसने नॉर्मल तरीके से तो बताया कि जो कंप्यूट करनी है आपको पीजीबीपी की इनकम, तो इसके लिए सबसे इजी सेक्शन ये कह रहा है 30 से लेकर 44D तक सेक्शन रीड कर लो, आपको समझ आ जाएगा पीजीबीपी की इनकम कैसे कंप्यूट। सेक्शन 32 44D, इनको मैंने समझने के लिए तीन हिस्सों में बांटा है इन सेक्शंस को, जिनको अच्छे से समझने के लिए हम हटा देते हैं यहाँ से। राइट, इस सेक्शन को हमने तीन हिस्सों में बांटा है। पहला है सेक्शन
32-37, दूसरा हिस्सा है सेक्शन 38-40 और तीसरा हिस्सा है सेक्शन 41-40। राइट, ध्यान से समझिएगा क्या क्या आ रहा है। हमने ऊपर से शुरू किया था कि हमें पीजीबीपी की इनकम अगर निकालनी है तो क्या तरीका है इसका, पीजीबीपी का चैप्टर का चार्ट है, पीजीबीपी का चैप्टर। राइट, क्या क्या पढ़ा हमने इसमें, पीजीबीपी के चैप्टर में हमें क्या क्या करना है। ये कह रहा है जी, पीजीबीपी की इनकम कंप्यूट करते वक्त सेक्शन 28 कह रहा है कि चार्जिंग सेक्शन क्या है, सेक्शन 29 बता रहा है पीजीबीपी कैसे कंप्यूट होगा, वगैरह 30-44D पढ़ लो। पीजीबीपी कंप्यूट करते वक्त बेटा सेक्शन 32-37 हमें पढ़ना होगा। अब सेक्शन 32-37 में क्या है, स्पेशली क्या क्या एक्सपेंसेस अलाउड है, एक्सपेंसेस क्या क्या अलाउएबल है हमें ये बता रहा है। 38 to 40 स्पेसिफिकली बता रहा है, स्पेशली ये एक्सपेंस नॉट अलाउएबल है। और लास्ट में 44 to 44 D बता रहा है, क्या बता रहा है 44 to 44 D की अदर प्रोविजंस। ये चार्ट बना लेना आप। देखिए बेटा ध्यान से सुनिएगा क्या कहना चाह रहे हैं, पीजीबीपी के चैप्टर को एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। पीजीबीपी में सबसे पहला सेक्शन है 28, मैंने बताया था पूरा चैप्टर पीजीबीपी का 28 to 44 D सेक्शन में कवर हो रहा है, 28 to 44 D। अभी क्या कह रहा है, ये कह रहा है 28 में हमने बताया है आपको विच आर द इनकम्स आर टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, दैट इज द सेक्शन 28। एंड व्हाट इज द सेक्शन 29, सेक्शन 29 सेज हाउ टू कंप्यूट द इनकम ऑफ पीजीबीपी, दैट इज द सेक्शन 29। सेक्शन 29 से हमने पूछा सर जी कैसे कंप्यूट होगा, देन दिस सेक्शन टेल्स अस कि आपको सेक्शन 32-44 D रीड करना पड़ेगा। फिर 32-44 D को हमने थोड़ा सा सिंपल भाषा में लिखा, तो सेक्शन 32-44 D कैसे कैसे हैं। 30-37 में बेटा स्पेसिफिकली हमें बताया जा रहा है पीजीबीपी में ऐसे क्या क्या खर्चे हैं जो अलाउड हैं, और सेक्शन 38-40 में बता रहे हैं स्पेसिफिकली कि ये अलाउड नहीं है, और 41-44 D में अदर प्रोविजंस है पीजीबीपी के कि ये वाली इनकम पर भी पीजीबीपी में टैक्स लगेगा अगर ऐसा हो जाता है, या पीजीबीपी की किताबें मत बनाओ हम सीधा सीधा आपको ये खर्चे या इन सबको डिस्कस मत करो, हम सीधे आपको टैक्स कैसे लगाएंगे पीजीबीपी, मतलब कुछ अदर प्रोविजंस है जिन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे थर्ड फेज ऑफ पीजीबीपी। तो पीजीबीपी के आज की क्लास से तीन फेज हैं, पहला फेज सेक्शन 32-37, दूसरा फेज 38 to 40 और तीसरा फेज 41 to 44 D। राइट, तो हमारे पास तीन फेजेस में अब पीजीबीपी के चैप्टर को हम करने जा रहे हैं। अच्छा, एक एग्जांपल से समझते हैं ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें बताना क्या चाह रहे हैं। बेटा सपोज आपने सेक्शन 18 सेक्शन 28 लगाया, और सेक्शन 28 लगाने के बाद आपको पता चला कि आपने इनकम आर्न करी इस साल 50 लाख रुपए। ये एग्जांपल है जस्ट समझने के लिए सेक्शंस को। बेटा आपने इस इनकम में से लेस किए कुछ एक्सपेंस, और आप तो हमेशा कोशिश करोगे कि आपके खर्चे ज़्यादा हों, असेसी तो हमेशा कोशिश करेगा कि इनकम के कंपैरिजन में उसके खर्चे ज़्यादा हों। क्यों कोशिश करेगा, देखो उसने खर्चे क्लेम कर दिए 51 लाख, बहुत सारे खर्चे दिखा दिए कि मैंने ये खर्चा किया था वो खर्चा किया,
मतलब नॉर्मल सी भाषा में, बेटा जब भी किसी बनिए की दुकान पे जाएंगे, किसी लाला की दुकान पे जाएंगे, आप उसे कहेंगे लाला जी आपकी तो बहुत कमाई है, तो वो हमेशा बोलेगा आपको खर्चे गिनवाने शुरू कर देगा। वो कहेगा भैया कमाई क्या है, मेरे खर्चे बहुत हैं। आप कहेंगे लाला जी आपने इतना सामान बेच दिया, 50 लाख रुपए आपके गले में पैसे आ गए आज, तो आपको खर्चे गिनवाएगा, स्टाफ को सैलरी देता हूँ, बिजली का बिल जाता है, पानी का बिल जाता है, आपको बहुत सारे खर्चे गिनवाएगा। तो ऐसे ये सारे खर्चे हैं बेटा जब हम इनकी अकाउंटिंग भी करते हैं। अब लाला जी ने इतने सारे खर्चे गिनवा दिए 51 लाख के, ऐसे करके लाला जी को कभी प्रॉफिट होगा ही नहीं, और प्रॉफिट नहीं होगा तो कभी वो पीजीबीपी में टैक्स देगा ही नहीं, कभी भी टैक्स नहीं देगा वो, तो वो तो हमेशा आपको खर्चे गिनवा देगा। इसलिए ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि बिजनेस के अंदर आपको कौन कौन से खर्चे इनकम में से डिडक्ट करने के लिए अलाउड है, उसे बोलते हैं बेटा सेक्शन 30 से लेकर 37। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा क्या कह रहा हूँ। ऐसे तो आप कितने भी एक्सपेंस गिनवा देंगे, आपके खर्चे चाहे जेन्युइन हैं चाहे नॉट जेन्युइन है। देखिए सिंपल भाषा में आपको वो खर्चे अलाउड है जो आपके जेन्युइन है। सिंपल भाषा में आपको वो खर्चे अलाउड है जो आपके जेन्युइन है, लेकिन असेसी हमेशा अपने खर्चों को बढ़ाकर दिखाएगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके खर्चों को कंट्रोल करेगा। जहाँ पर उसे शक होगा कि ये खर्चा तो फिजूल में दिखा रखा है, ये खर्चा हुआ ही नहीं होगा, उन खर्चों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, उड़ा देगा, उन खर्चों की डिडक्शन आपको कोशिश करेगा ना मिले। तो बेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ना ढेर सारे खर्चे अपनी लिस्ट में लिखे सेक्शन 32-37। व्हाट आर द एक्सपेंसेस आर अलाउबल अंडर सेक्शन 32-37 अंडर द इनकम टैक्स, राइट, इन पीजीबीपी। अच्छा कुछ खर्चे जेन्युइन भी हैं आपके, आपने सही तरीके से करी, उन खर्चों पे भी ना कुछ, उन एक्सपेंसेस पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई है। जैसे आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 40B पढ़ा कि एक पार्टनरशिप फॉर्म अपने पार्टनर को सैलरी दे रही है, पार्टनरशिप फॉर्म कह रही है भैया सैलरी देनी पड़ती है पार्टनर्स को, तो उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई कि इतने से ज़्यादा सैलरी आप नहीं दे सकते, याद होगा आपको। तो ये 32-40 में रिस्ट्रिक्शन किया है, लिमिट लगा दी है कि कुछ खर्चे कभी कभी अलाउड नहीं है अगर आप ये कंडीशन पूरी नहीं करोगे, ये कंडीशंस पूरी करनी है। और 41-40 देर आर सम अदर प्रोविजंस, ये तीसरा फेस है, ये बिल्कुल अलग फेस है, इसे हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो बेटा अगले दो लेक्चर्स में हम सेक्शन 32-37 पढ़ेंगे पीजीबीपी के। हमारे अगले दो लेक्चर्स जो चलेंगे हम उनमें क्या पढ़ेंगे, सेक्शन 32-37। और आई विल ट्राई कि नेक्स्ट टू लेक्चर्स में हमारे, मतलब आज का लेक्चर और अगले दो लेक्चर में 37 तक हम सब ओवर कर दें, ख़त्म कर दें। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहला सेक्शन, और ना जब मैं 32-37 सेक्शन ख़त्म कर लूँगा, एक चीज़ और, जब मैं सेक्शन 32-37 ओवर कर लूँगा तब आपने मेरे से पूछना भी है। जब मैं 32-37 ओवर कर लूँ, ख़त्म कर लूँ, तो आपने ना कुछ एक्सपेंस मेरे साथ डिस्कस करने हैं, सर ये वाला एक्सपेंस कौन से सेक्शन में डिडक्टेबल होगा, सर ये वाला एक्सपेंस, सर हमने अपने बिजनेस में दिवाली पूजा करवाई, क्या दिवाली पूजा का खर्चा डिडक्टेबल होगा, तो ऐसे करके आप खर्चे मेरे से पूछ भी सकते हैं, राइट, इन्हें हम डिस्कस करेंगे। और पर पहले आई होप कि आपको सारे खर्चे सारे एक्सपेंस समझ आ जाएंगे, क्यों अलाउड है क्यों अलाउड नहीं है। तो प्लीज़ पर ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि हर खर्चे को ना फील करिएगा। आप सोचिएगा आप बिजनेस कर रहे हैं अपने यहाँ पर बैठकर, अब ये एक्सपेंस अलाउड होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, हर एक्सपेंस को आप थोड़ा फील करिएगा, देन आपको ज़्यादा समझ आएगा कौन से खर्चे अलाउड हैं और कौन से खर्चे अलाउड नहीं हैं। चलिए शुरू करते हैं हम एक्सपेंसेस को, एक्सपेंसेस की लिस्ट को, क्या क्या अलाउड है क्या क्या अलाउड नहीं है। सबसे पहले आते हैं बेटा सेक्शन 30 पे। हमारा ना 30 और 31 को हम साथ चलाएंगे, सेक्शन 30 को और 31 को। बस हेडिंग पढ़ लीजिए बेटा, एक सेक्शन है रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, और अगला वाला है 31। देखिए आपको दिख रहा होगा अगला वाला सेक्शन है 31,
रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर। बेटा वहाँ पर है रेंट रेट्स टैक्सेस रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, और यहाँ पर क्या क्या कवर है? रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी एंड प्लांट एंड आपका फर्नीचर। चलिए ध्यान से समझते हैं, अच्छा चार्ट बनाते हैं और आप प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करिएगा क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले हमारा सेक्शन 30, यहां पर है हमारा सेक्शन 31, राइट। सेक्शन 30 है, सबसे पहले नोट करते रहिएगा भले ही साथ साथ बिल्डिंग पर। सेक्शन 31 है हमारा प्लांट फर्नीचर एंड मशीनरी पर। जो बिल्डिंग पे है सबसे पहला खर्चा लेते हैं बेटा नंबर वन बिल्डिंग में। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, इन सेक्शंस को पढ़ते वक्त याद रखिएगा ये आपके बिजनेस से रिलेट होनी है, बिजनेस से रिलेट करना चाहिए तभी ये सेक्शन लगेगा, नहीं तो सेक्शन नहीं लगेगा। क्या करना चाहिए? बिजनेस से रिलेट करना चाहिए। अगर आपके बिजनेस से रिलेट नहीं कर रहा तो सेक्शन नहीं लगेगा। आपको मेरी बात समझ आ रही? सबसे पहला पॉइंट बिल्डिंग। अगर हम बिल्डिंग की बात करें तो बेटा बिल्डिंग में ऐसे समझ के चलिए, इस बिल्डिंग में किसी भी बिल्डिंग में हम बिजनेस कर रहे हैं और वो बिल्डिंग के दो पॉइंट होंगे, या तो वो बिल्डिंग में हमने एज अ टेनेंट यूज कर रहे हैं रेंट पे ले रखी, या हम ओनर हैं। बताइए पहले ये बात समझ आई? अगर हम किसी भी बिल्डिंग में बिजनेस कर रहे हैं या तो वो बिल्डिंग हमने एज अ टेनेंट यूज करी या फिर हम ओनर हैं। अगर एज अ टेनेंट यूज करी बिल्डिंग हमने, ध्यान से सुनिएगा, तो हम पहला खर्चा आप बताइए आपके दिमाग में क्या आ रहा है? रेंट। हम उस बिल्डिंग का रेंट दे रहे होंगे, रेंट। और एज अ ओनर यूज करी तो बेटा उस बिल्डिंग पर हमारा डेप्रिशिएशन लगेगा, घिसरी होगी हमारी बिल्डिंग है, पर वो यहाँ कवर नहीं है, वो अंडर सेक्शन 32 कवर है। 30 में तो क्या क्या कवर है? एक खर्चा कवर हो गया रेंट, यहां से मिला हमें रेंट। अच्छा बेटा ध्यान से सुनिए, अगर हम टेनेंट नहीं है ओनर है तो जितना भी करंट रिपेयर कर रहा है बिल्डिंग में, रेंट की जगह रिपेयर अलाउड हो जाएगी, डेप्रिशिएशन तो अलाउड होगा। इस सेक्शन में क्या अलाउड होगा? करंट रिपेयर, जो भी हम छोटी मोटी रिपेयर कर रहे हैं वो सेक्शन 30 में ही अलाउड है। टेनेंट को क्या अलाउड है सेक्शन 30 में? रेंट। दोनों को कंपैरिजन करना। सर अगर रिपेयर सपोज करिए खुद करा रहा है टेनेंट भी थोड़ी बहुत, वैसे जनरली रिपेयर क्यों कराएगा, मकान मालिक करा के देगा, पर अगर ये कर रहा है कोई रिपेयर भी, कौन कर रहा है? टेनेंट अगर कोई रिपेयर कर रहा है उसको भी वो रिपेयर अलाउड है अंडर सेक्शन 30। मतलब रिपेयर दोनों को अलाउड है, ओनर को भी करंट रिपेयर देखो अलाउड है अंडर सेक्शन 30। और ये मैंने अलग से इसलिए लिखा है, ये इस सेक्शन में अलाउड नहीं है, डेप्रिशिएशन को हम अलग से पढ़ेंगे। टेनेंट या रेंट देगा बेटा, अब आइए या तो टैक्स देगा, रेट्स टैक्स एक ही बात है, रेट्स टैक्स बिल्डिंग के म्युनिसिपल टैक्स, टेनेंट ने ही देने हैं बिल्डिंग के, ये सब तो अंडर सेक्शन 30 अलाउड हो जाएंगे बेटा। अंडर सेक्शन 30 किसको अलाउड हो जाएंगे? टेनेंट। सर ये सब कुछ अगर ओनर देगा तो सेम उसको भी अलाउड हो जाएगी, मतलब कोई एक ही तो देगा बेटा, ऐसे समझिए ये घर है, इस घर में हम बिजनेस कर रहे हैं, इसके कोई टैक्स जा रहे हैं, हाउस टैक्स आपने सुना होगा, म्युनिसिपल टैक्स रेट्स, हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ा होगा आपने, तो अंडर सेक्शन 30 अगर टेनेंट दे रहा है तो ये अंडर सेक्शन 30 टेनेंट को अलाउड हो जाएंगे,
खुद आप अपनी बिल्डिंग में कर रहे हो और आप खुद पे कर रहे हैं तो आपको अलाउड हो जाएंगे, मतलब किसी एक को ही अलाउड होंगे जो भी इनको पे कर रहा है। बेटा अगर बिल्डिंग को हमने इंश्योरेंस करवा रखा है, इंश्योरेंस प्रीमियम अगर कौन दे रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम अगर टेनेंट दे रहा है तो बेटा टेनेंट को अलाउड है, और इंश्योरेंस प्रीमियम सेम अगर कौन दे रहा है, ओनर दे रहा है तो बेटा ओनर को अलाउड है। ओनर को मीन्स ओनर अपनी बिल्डिंग में बिजनेस कर रहा है। देखो आप इनको दो अलग अलग, जब आप इसे टेनेंट मान रहे हैं ऐसे मानिए आप अपनी बिल्डिंग में बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या खर्चे अलाउड है। डेप्रिसिएशन 32 में रिपेयर करोगे बिल्डिंग में तो अलाउड हो जाएगी, आप रेट वेट टैक्स वैक्स दोगे तो अलाउड हो जाएगा, आप इंश्योरेंस भरोगे तो अलाउड हो जाएगा। अगर आप किराए की बिल्डिंग में कर रहे हैं तो रेंट अलाउड हो जाएगा, रिपेयर अलाउड हो जाएगी, टैक्स रेट वगैरह अलाउड हो जाएंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम बेटा ये अलाउड हो जाएगा। क्वेश्चन आता है सर कैपिटल एक्सपेंडिचर करा बिल्डिंग में, ऊपर दो रूम बना दिए, बिल्डिंग में कैपिटल एक्सपेंडिचर करा, बड़ा खर्चा किया तो क्या होगा। बेटा अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर टेनेंट ने किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है बड़ा खर्चा जो एक साल से ज़्यादा चलेगा, बियॉन्ड दस वन ईयर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर टेनेंट वैसे जनरली करता नहीं है, अगर करा है तो बेटा टेनेंट के लिए डीम्ड बिल्डिंग मान ली जाएगी। क्या हो जाएगी? डीम्ड बिल्डिंग। एग्जाम्पल से समझिए, मैंने एक बिल्डिंग ली रेंट पर, उसका रेंट जाता है 50,000 रुपये महीने। उस बिल्डिंग में बेटा मुझे एक कमरा बनवाना था, एक रूम बनवाना था, क्योंकि मेरा बहुत कम काम हो पा रहा था, एक रूम और चाहिए था मुझे। रूम में लग गए 2,00,000 रुपये। बेटा जो ये रूम है क्या ये मैं एक साल में ही ख़त्म हो जाएगा? नहीं, ये बियॉन्ड वन ईयर चलेगा, वन ईयर से ज़्यादा इसकी वैलिडिटी है। तो ये पहले तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। अब जो ये कमरा मैंने बनाया पैसे लगा के, इस पर मुझे बेटा डेप्रिसिएशन मिलेगा। हालांकि पूरी बिल्डिंग रेंट पे है पर रूम का जो कॉस्ट है वो डीम्ड बिल्डिंग माना जाएगा और मुझे इस पर क्या मिल जाएगा? डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन का सेक्शन 32 है, मतलब यहाँ कुछ भी अलाउड नहीं होगा इस सेक्शन में अगर मैं टेनेंट हूँ। और अगर मैं खुद मालिक हूँ तब मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, बेटा तब तो कोई सवाल ही नहीं है, तब तो मेरी बिल्डिंग की कॉस्ट में ही ऐड हो जाएगा। सर इसे भी एग्जांपल के साथ सुनाओ बताएंगे आप। यस बेटा, मेरी बिल्डिंग थी 50,00,000 की, मैं उसी में बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा रेंट तो जाता ही नहीं। अब मुझे 2 रूम्स और बनाने पड़े और उनमें 5,00,000 रुपये लग गए, तो मेरी बिल्डिंग कितने की हो गई? 55,00,000 की, 55,00,000 की, 50 की पहले थी, 5 की और बना ली मैंने बिल्डिंग, तो मुझे डेप्रिसिएशन कितने पर मिलेगा? 55,00,000 पे, अंडर सेक्शन 32। सर दोनों में ही तो डेप्रिसिएशन मिल रहा है, चाहे एज अ टेनेंट आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, चाहे एज अ बिल्डिंग ओनर। यस, अगर आप एज अ टेनेंट कर रहे हैं तो आपकी डीम्ड बिल्डिंग है, बिल्डिंग मान ली, ऐसा तो किराएदार की बिल्डिंग थोड़ी ना होती, बिल्डिंग मान ली। और अगर आप मालिक हैं तो आपने बिल्डिंग बनाई है तो फिर आपकी बिल्डिंग है ही, तो मानने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको समझ आ गया होगा बिल्डिंग का पूरा, यही खर्चे अलाउड है। अब इसमें बच्चों को एक बहुत ज़्यादा डाउट आता है, देखिए जो मेन आता है, मैंने बोला जो भी रेंट पेड करेंगे, समझ आ रहा है, और जो भी रिपेयर करेगा, यहाँ पर दो खर्चे अलाउड हैं इसको टेनेंट। करंट रिपेयर जो भी करेगा, करंट रिपेयर मतलब रेवेन्यू रिपेयर, वो तो दोनों का अलाउड है अंडर सेक्शन 30। पर जो कैपिटल रिपेयर है वो इनको डीम्ड बिल्डिंग मान लिया गया और इनकी बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड है, बाकी तो सारे खर्चे दोनों को अलाउड। पर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आती है बेटा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जिसको मेरे को लगता है लिखना चाहिए आपको, दोनों को ना, चाहे आप टेनेंट हैं और चाहे आप ओनर हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ ओनर है या टेनेंट है। और एक नई बात भी यहीं के ही मैं बताऊँगा, चाहे आप ओनर हैं या टेनेंट हैं, जो आप म्युनिसिपल टैक्स दोगे, हाउस टैक्स दोगे, किसी भी नाम से दोगे, रेट्स दोगे,
ये आपको अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलाउड है। पर ना इसमें एक बात लिख रहे हैं ये सेक्शन सब्जेक्ट टू 43 बी। पहले अभी समझेंगे 43 बी क्या है, 43 बी पढ़ेंगे नहीं समझेंगे। ये कह रहे हैं म्यूनसिपल टैक्स, हाउस टैक्स, रेट्स वगैरह ये अलाउड तो हैं, टैक्सेस अलाउड तो हैं, पर सेक्शन को फॉलो कर लेना एक बार। कौन सी सेक्शन को? 43 बी। अब इससे पहले 43 बी में जाने से पहले हमें एक और बात समझनी पड़ेगी, यहाँ पर ध्यान से। सर क्या? बेटा पीजीबीपी के चैप्टर में देखते हैं, आप सबको पता है या नहीं पता है, जो इनकम टैक्सेबल होती है वो किस प्रीवियस ईयर में होती है? जब पीजीबीपी में हमें इनकम रिसीव होती है तब, या पीजीबीपी में जब ड्यू हो जाती है इनकम तब? फॉर एग्जांपल आपने मेरी फीस देनी है, आज आपने मुझे ईयर 23-24 में, 2023-2024 में मुझे फीस देनी है, दे दी 2023-24 में आपने मुझे फीस दे दी 50 लाख रुपये, मेरी किसी चीज़ की फीस थी, वो फीस 24-25 की भी थी और 25-26 की भी थी। आपने मुझे फीस दे दी आज 23-24 में, 23-24 में, कब की? 24-25 की और 25-26 की, मतलब 3 साल की फीस, इस साल की, अगले साल की, उससे अगले साल की। तो बेटा पीजीबीपी में पूरे 50 लाख रुपये टैक्स अब लगेगा, इनकम मानी जाएगी। एक मिनट, कुछ लोग अब बोल रहे हैं घर पे, नहीं, कुछ 3 साल में बढ़ जाएगी। नहीं, पहले सुनिए ध्यान से बेटा, पीजीबीपी में ध्यान से सुनो, मैं बोल रहा हूँ, हमने इनकम 23-24 में ऑन कर ली और रिसीव भी कर ली, रिसीव कर ली, ऑन नहीं करी अभी, पर ये कुछ इनकम मेरी 24-25 की दी है देने वाले ने, कुछ 25-26 की दी है, 3 साल की इनकम एक साथ रिसीव हो गई। तो बेटा अगर हम रिसीव्ड बेसिस पर अकाउंटिंग कर रहे हैं अपनी, हमने इनकम टैक्स में शो किया हुआ है, तो हमारा इस साल इनकम 50 लाख हो गया 23-24 का। और अगर हम एक्रुअल बेसिस पर अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हमारी इनकम 23-24 में उतनी होगी जितनी इस साल की इनकम डी हुई है, एक्रू हुई है, 24-25 की उतनी हो जाएगी इस 50 लाख में से जितनी एक्रू हुई है, और 25-26 की उतनी हो जाएगी एक्रू। जैसे हमने इस साल की इनकम हमारी 20 लाख फीस थी, अगले साल की 20 लाख थी, और उससे अगले साल की 10 लाख थी, तो बेटा फिर वैसे ही बढ़ जाएगी एक्रूअल बेसिस पर, जितनी इनकम हमने सच में आन करी है, जितना हमारा हक बनता है, जितना हमारा राइट बनता है। भाई साहब ने हमें एडवांस दे दिया पूरे 50 लाख, पर राइट तो हमारा 16 लाख का बन रहा था, राइट टू रिसीव, तो उसे बोलते हैं एक्रूड इनकम। तो बेटा पीजीबीपी में जो इनकम चार्जेबल होती है टू टैक्स, पीजीबीपी में जो इनकम चार्जेबल होती है टू टैक्स, अब ना 2-3 सेक्शंस इसमें आएंगे, इसलिए आपको ध्यान से समझना बहुत जरूरी है पीजीबीपी का, तो ये पॉइंट्स आपको समझने बहुत जरूरी है, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो फिर चीज़ें बिगड़ जाएंगी, हाथ से निकल जाएंगी, और उनको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि क्या कहना चाह रहे हैं, कैसे कहना चाह रहे हैं। यस बेटा पीजीबीपी में सेक्शन इनकम चार्जेबल टू टैक्स, ध्यान से मेथड ऑफ अकाउंटिंग, तो जो इनकम चार्जेबल टू टैक्स होती है ना पीजीबीपी में, वो कैसे होती है बेटा? वो होती है एज पर मेथड ऑफ अकाउंटिंग, मेथड ऑफ अकाउंटिंग मतलब अगर आपका मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या है, अगर आपका मेथड ऑफ अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस है, तो बेटा सारी इनकम रिकॉर्ड होगी ड्यू बेसिस पर, ना कि रिसीव बेसिस पर, रिसीव बेसिस पर नहीं होंगी, किस पर होंगी? ड्यू बेसिस पर, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया। और सारे एक्सपेंसेस भी डिडक्ट होंगे, अभी बताया ना 30-37 में डिडक्ट होंगे खर्चे, 30-37 वो सब भी डिडक्ट होंगे फिर ड्यू बेसिस पर। मतलब खर्चा अगर देना है, दिया नहीं है, देना भी है, तो भी वो ड्यू बेसिस पर ही अलाउड हो जाएगा। अगर इंकर्ड हो गया है खर्चा, अगर एक्सपेंस इंकर्ड हो गया है पर अभी तक पे नहीं किया, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं इस सेक्शन में। अब बेटा चाहे ना
मेन सेक्शन में सेक्शन 30 में चाहे वर्ड पेड लिखाओ और चाहे पेबल लिखाओ, इस पेड से इसका मतलब ये नहीं है कि एक्चुअली में पेड कर दिया हो, या पेबल का मतलब ये नहीं है कि पेबल है, तो ये सब डिपेंड करता है। पेड का मीनिंग चेंज हो जाएगा, पेबल का मीनिंग चेंज हो जाएगा, किस पर? मेथड ऑफ अकाउंटिंग पर। एग्जांपल के साथ समझते हैं, मेथड ऑफ अकाउंटिंग पर पेड और पेबल का मीनिंग चेंज हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी मैं इनकी समरी बना दूंगा सेक्शन की, प्लीज ध्यान से समझिएगा। हम सेक्शन में डुबकी लगाते जा रहे हैं। हमने बोला आपका मेथड ऑफ अकाउंटिंग पे डिपेंड करता है, आपका मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या है। अगर आपका मेथड ऑफ अकाउंटिंग ड्यू बेसिस है तो आपकी सारी इनकम एक्रूअल बेसिस पर ही टैक्सेबल हो जाएंगी, चाहे आपको रिसीव हो कभी भी, रिसीव सारा। जैसे हमारे एग्जांपल में 50 लाख रिसीव हुआ, इनकम पर टैक्स कितनी पर लगेगा? जितनी इस साल की एक्रूअल इनकम थी, और सारे एक्सपेंसेस इंकर्ड बेसिस पर लेस होंगे। ऐसे नहीं हो जाएंगे कि जितने भी एक्सपेंस पेड कर दिए। अब ये कह रहा है जैसे सेक्शन 30 में आप देखेंगे तो मैं दिखा देता हूं। सेक्शन 30 में वर्ड देखो एक बार, बस यहीं पर लिख रहा है एनी सम पेड ऑन अकाउंट ऑफ लैंड रिवेन्यू, लोकल रेट और म्युनिसिपल टैक्स, या वर्ड लिख रहा है पेड। तो ये कह रहा है इनकम टैक्स, कहीं अगर पेड वर्ड लिख भी रहा है तो ये मत मान लेना एक्चुअली में पे करना है, कि एक्चुअली में पे करना है, ये मत मान लेना कि भैया ये तो ना एक्चुअली में पे करना है, ऐसा मत मानना। अगर ये पेबल भी है, अगर ये क्या है पेबल भी, सॉरी अगर ये क्या है पेबल भी है तो भी ये मान लिया जाएगा कि ये हमारा क्या हो चुका है। चलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये सम पेड भी है तो यहाँ पर इसका मतलब पेबल ही है। क्या है यहाँ पर इसका मतलब? पेबल। ये डिपेंड करता है इस पेड को हमें कैसे समझना है। तो मीनिंग ऑफ पेड, जितनी जगह भी सेक्शन में, किसी भी सेक्शन में पेड वर्ड भी लिख रहा है तो ये कह रहे हैं उसका मतलब, पेड का मतलब पेबल भी हो सकता है अपने आप ही इंटरप्रिटेशन से, अगर आपका मेथड एक्रूअल है। और पेड का मतलब सच में पेड भी हो सकता है अगर आपका मेथड क्या है बेटा, जल्दी बताइए, आप रिसीव्ड बेसिस पर है या कैश बेसिस मेथड है। कुछ समझ आ रहा है? पेड का मतलब आप वर्ड में मत चले जाना, पेड लिख रहा है तो जी पेड ही, पेड का मतलब पेबल ही है, खर्चा अलाउड है। अगर आपका मेथड ऑफ अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है तो पेड मीन्स आप पेबल मान लीजिए, और पेड का मतलब पेड ही मान लीजिए अगर मेथड ऑफ अकाउंटिंग आपका कैश है। आपने लिटरल मीनिंग पे नहीं जाना है, जैसे एक और एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। बेटा एक सेक्शन है, सेक्शन 32 में तो चलो ऐसा होगा ही नहीं, सेक्शन 31 में मान लीजिए। सेक्शन 31 में मान के चलिए कोई एक्सपेंस है, उसमें लिख रहा है एक्सपेंसेस पेड किया है अगर तो वो अलाउड हो जाएगा। सेक्शन 31 में लिख रहा है एक्सपेंसेस अगर पेड किया है तो अलाउड हो जाएगा। अब हमें ऐसा लग रहा होगा ये वास्तविकता में पे होना चाहिए, अगर ये केवल ड्यू है अभी तो अलाउड नहीं होगा। बेटा सबसे पहले आप पूछोगे मेथड ऑफ अकाउंटिंग, अगर मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या है एक्रूअल, तो ये खर्चा अगर पेड भी नहीं हुआ है ना पेबल भी है तो भी अलाउड हो जाएगा, चाहे सेक्शन में पेड लिखा हुआ है। और मेथड ऑफ अकाउंटिंग अगर कैश है तो ये खर्चा कब अलाउड होगा? जब ये सच में पेड हो जाए। क्लियर हो गया? इसे बोलते हैं मीनिंग ऑफ पेड। इसके लिए सेक्शन बनाया सेक्शन 43(2) और ये सेक्शन कहता है मीनिंग ऑफ पेड, पेड का मीनिंग क्या है, पेड का मीनिंग क्या है। देखो दिखाता हूँ मैं आपको, आप टिक भी मार लीजिए इसमें, ये सेक्शन लगे हाथ हमारा खत्म हो जाए। मीनिंग ऑफ पेड,
ये आ गया सेक्शन 43(2). सेक्शन 43(2) किस चीज़ का है? मीनिंग ऑफ पेड, मीनिंग ऑफ पेड। सर कौन से पेज पे? पेज नंबर 127, मीनिंग ऑफ पेड। बेटा क्या कह रहा है ये सेक्शन? देखो ये कह रहा है पूरे पीजीवीपी के चैप्टर में पेड का मतलब एक्चुअली पेड है अगर असेसी कैश मेथड लगा रहा है, एंड अगर असेसी मर्केंटाइल मेथड लगा रहा है मतलब एक्रूअल मेथड, तो इसका मतलब पेबल है। वो समझ आ रहा है पेड का मतलब पेबल है। अनलेस अदरवाइज, अनलेस अदरवाइज, जब तक सेक्शन में ही किसी में स्पेसिफिकली मेंशन ना हो जाए, जब तक किसी सेक्शन में ही स्पेसिफिकली मेंशन ना हो जाए, जब तक हम इसके मीनिंग को नहीं छेड़ेंगे। समझ आ रहा है? जब तक हम इसके मीनिंग को नहीं छेड़ेंगे। क्या? अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इन द रेलिवेंट प्रोविजन। सर इस बात का क्या मतलब है? जब तक किसी सेक्शन में स्पेसिफिकली ना लिख दिया जाए कि पेड़ का मतलब तो भैया पेड़ ही है, तब बात अलग है, नहीं तो हम इसे नहीं छेड़ेंगे। सर एग्जांपल के साथ बताएंगे, मैंने अभी बताया पेड़ का मतलब पेबल। अगर मेथड ऑफ अकाउंटिंग आपका क्या है, अगर मेथड ऑफ अकाउंटिंग आपका क्या है, एक्रूअल। पेड़ का मतलब तो इसकी समरी बना लेते पहले। देखिए बीच में घुस गए थे हम सेक्शन 43(2) के अकॉर्डिंग। पूरे पीजीबीपी के चैप्टर में अगर पेड़ कहीं लिखा भी हुआ है तो इसका मतलब पेबल, अगर मेथड एक्रूअल, एक्रूअल फॉलो। और पेड का मतलब एक्चुअली पेड भी हो सकता है अगर मेथड है कैश मेथड। ये तो हो गया सेक्शन 43(2) का पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट समरी बना ले। सेकंड पॉइंट, पर कभी कभी, कभी कभी कह रहे पेड़ का मतलब पेड़ ही होगा, चाहे मेथड एक्रूअल है चाहे मेथड कैश है, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड, इररिस्पेक्टिव ऑफ मेथड। कभी कभी वो कहेंगे पेड का मतलब एक्चुअली में ही पेड है, चाहे आप एक्रूअल मेथड लगाओ चाहे कैश, जब तक ये पेड नहीं हो जाएगा खर्चा, जब तक हम डिडक्शन नहीं देंगे। बेटा उस सेक्शन का नाम है सेक्शन 43(b). 43(b) क्या है सर? कि कुछ खर्चे, कुछ एक्सपेंसेस हमेशा तभी अलाउड होंगे जब वो पे हो जाएंगे। आया समझ नहीं आया? चाहे मेथड कोई भी लग रहा है बेटा, नॉर्मली पेड का मतलब पेबल अगर एक्रूअल मेथड लगा रहे, पेड का मतलब एक्चुअली वे पेड अगर कैश मेथड लगा रहे, कभी कभी पर पेड का मतलब पेड ही है, वास्तविकता में पे ही होना चाहिए मेथड चाहे कुछ भी हो, जब कोई स्पेसिफिकली सेक्शन कह दे। और ऐसा पूरे इनकम टैक्स में एक ही सेक्शन है, कौन? 43(b). ये कहता है जी कुछ खर्चे तो मैं अलाउड ही तब होने दूंगा जब वो पेड हो जाएंगे। ऐसे खर्चे अलाउड कहाँ होते हैं? 30 से 37 में। कहाँ पे अलाउड होते हैं? 30 से 37 में। 30 से 37 में कैसे अलाउड होंगे? अगर एक्रूअल मेथड है तो पेबल बेसिस पर, कैश मेथड है तो एक्चुअल पेड बेसिस पर। पर अगर उन खर्चों में लिख दिया कि सब्जेक्ट टू सेक्शन 43(b), तो बेटा वो खर्चे कब अलाउड होंगे, कैसे अलाउड होंगे? पेड बेसिस पर। देखो मैंने ऊपर यही लिखा है, इतनी डोंकी लगा, मैंने कहा था चाहे आप ओनर हैं चाहे आप टेनेंट हैं, आपका म्युनिसिपल टैक्स, हाउस टैक्स, रेट्स अलाउड होंगे सब्जेक्ट टू सेक्शन 43(b). कौन बताएगा क्या कहना चाह रहा? मैं कहना चाह रहा हूँ टैक्स का खर्चा, म्युनिसिपल टैक्स का खर्चा, रेट्स का खर्चा 30 सेक्शन 30 में अलाउड है, चाहे टेनेंट है आप चाहे ओनर है, पर 30 ने बोल दिया ये अलाउड है 43(b) को ध्यान में रखते हुए।
तो बेटा हमें 43 बी में तो खर्चा कब अलाउड होता है, जब वो पेड हो जाता है। तो बेटा अब चाहे इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड म्युनिसिपल टैक्स कब अलाउड होगा, जब वो सच में पेड हो जाएगा, तो हमें ये ठीक भी करना पड़ेगा म्युनिसिपल टैक्स में जाके। देखिए हमारा सेक्शन 30 चल रहा था, यहाँ पर अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा, यहाँ पर पेड का मतलब पेबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर इस वाले पेड का मतलब, तो बेटा इस वाले पेड का मतलब क्या है, एक्चुअली पेड, क्या है एक्चुअली में अगर पेड हुआ, क्या है जल्दी बोलिए, एक्चुअली में अगर पेड हुआ, अब उसका मतलब खत्म हो गया हमारा, मतलब एक्चुअली में पेड। सर यहाँ पे कहाँ लिख रहा है, मैं लिखवा रहा हूँ ना, ब्रैकेट में लिख लो कि सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B, सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B, आया बेटा समझ नहीं आया, सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B, यहाँ पर हमने ये चीज लिख दी है कि सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। सर 43B में भी एक बार दर्शन करवा लाइए, हल्के से दर्शन कर लेते हैं, वैसे 43B अभी हमें नहीं पढ़ना आज, पर लिंक करना है तो हमें पढ़ना पड़ेगा एक पॉइंट। ये आ गया बेटा 43B, 43A, 43AA, ये आ गया 43B। क्या लिख रहा है बेटा 43B में, आप देख रहे होंगे ये है हमारा पेज नंबर 153, पेज नंबर 153 पे हमारा 43B सेक्शन आ गया। क्या कह रहे हैं, ये कह रहे डिडक्शन ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस, और देखो कह रहा है नॉट बी स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, किसी भी प्रोविजन में चाहे कुछ भी लिख रहा हो, पर भाई साहब कुछ खर्चे, पहला खर्चा एनी टैक्स में म्युनिसिपल टैक्स भी तो आ गया। कह रहा है अगर म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन मिलनी है ना आपको, वो तभी अलाउड होगी जब वो एक्चुअल में पेमेंट हो जाएगा, अभी फिलहाल बस इतना ही देखना है। कुछ भी कोई भी टैक्स हो बेटा, कोई भी टैक्स अलाउड तब होगा जब वो सच में पेड हो जाएगा। अब मेथड चाहे कुछ भी हो, अब तो ये वाला टैक्स अलाउड कब होगा, जब ये पेड हो जाएगा। वहीं पे आ जाइए दोबारा से, आई होप ढंग से समझ आ गया होगा। सर आप लेकिन जो वो बात बता रहे थे वो भी तो बताइए ना, तो मैं बता देता हूँ, एक सेक्शन और भी कवर हो गया, फिर हम समरी बनाएंगे। सेक्शन 145, सेक्शन 145 के अकॉर्डिंगली पहला पॉइंट बेटा, पीजीबीपी की में इनकम कैसे टैक्सेबल होती है, पीजीबीपी में इनकम टैक्सेबल की जगह कंप्यूट बोलेंगे, पीजीबीपी में इनकम कंप्यूट कैसे होती है बेटा, पीजीबीपी में जल्दी बोलो कैसे कंप्यूटेड होती है। सर डिपेंड करता है मेथड ऑफ अकाउंटिंग, किस पे डिपेंड करता है, मेथड ऑफ अकाउंटिंग। सर जी मेथड ऑफ अकाउंटिंग तो एएस के अकॉर्डिंगली होती है, एएस के अकॉर्डिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, अकाउंटिंग मतलब जो हमारी किताबें बन रही हैं, अकाउंट का सब्जेक्ट है, कह रहे अकाउंट में जैसे कर रहे हो उसी तरीके से कंप्यूट हो जाएगी पीजीबीपी की। तो यहाँ इन्होंने दूसरा पॉइंट लिखा, ये कह रहे हैं एएस वाले अकाउंटिंग के अकॉर्डिंगली नहीं बेटा, आईसीडीएस, आईसी गवर्नमेंट ने नोटिफाई करे अपने अलग से इनकम टैक्स वालों ने, आईसीडीएस इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, क्या बोल रहा हूँ मैं, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड इशू करें। हालांकि ये कॉपी मारे इन्होंने एएस से ही, पर ये कह रहे हैं हम अपने आईसीडीएस दे रहे हैं, इनके अकॉर्डिंगली कंप्यूट करना, स्टैंडर्ड जो लगाओगे वो ये वाले लगाना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मत लगाना, मेथड ऑफ अकाउंटिंग ही करना है अकाउंटिंग में जो कर रहे हो, पर इनकम टैक्स की अकाउंट अलग करना, मतलब देखा जाए अकाउंट के लिए अकाउंटिंग अलग करनी पड़ेगी, अकाउंट्स के लिए अकाउंटिंग अलग करनी पड़ेगी, और इनकम टैक्स के लिए जो अकाउंटिंग होगी वो अलग करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रॉफिट अब चेंज हो सकते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स में अकाउंटिंग में तो एएस के अकॉर्डिंगली, अगर आप मर्केंटाइल मेथड ऑफ सिस्टम लगा रहे हैं तो आप किसी भी खर्चे को पेबल बेसिस पे भी अलाउड कर सकते हैं, पर इनकम टैक्स में तो सेक्शन के दर्शन करवा दिए मैंने आपको 43B, इसके अकॉर्डिंगली कुछ खर्चे तो अलाउड ही कब होते हैं, पेड बेसिस पर, कब अलाउड होते हैं,
ओनली पेड बेसिस पर। कुछ समझ आ रहा है? तो बेटा इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली कुछ खर्चे हमारे केवल कैसे अलाउड होते हैं? पेड बेसिस पर। तो अकाउंटिंग मैच नहीं करेगी। तो इन्होंने कहा है कि ये सच है, पीजीबीपी की इनकम कंप्यूट करनी है जैसे अकाउंटिंग में कंप्यूट कर रहे हैं बिजनेस की इनकम, पर अकाउंटिंग में बिजनेस की इनकम एएस के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं, पर पीजीबीपी में किसके अकॉर्डिंगली करना? आईसीडीएस के अकॉर्डिंगली, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। और तीसरा पॉइंट इन्होंने बनाया यहाँ पर कि अगर एओ सेटिस्फाई नहीं है, एओ मतलब असेसिंग ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर अगर सेटिस्फाई नहीं है, किस बात से सेटिस्फाई नहीं है? कि जो आपने ये आईसीडीएस फॉलो करे ना और अकाउंटिंग करी आईसीडीएस फॉलो करते हो, जो आपने अकाउंटिंग करी है आईसीडीएस के अकॉर्डिंग, आईसीडीएस के अकॉर्डिंग आपकी इस अकाउंटिंग से सेटिस्फाई नहीं है बेटा, ये आपने मेथड ऑफ अकाउंटिंग तो लगाया है पर उसको लग रहा है सही से नहीं लगाया, ढंग से नहीं करा इसको, गलत कंप्यूट करा है, तो ऐसे केस में एओ, मैं नहीं कह रहा करेगा करेगा, तो कर सकता है, मे मेक असेसमेंट। एओ अपने आप असेसमेंट कर देगा आपकी, अपने आप कैलकुलेट कर देगा आपकी इनकम। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 144 में, जो आपके सिलेबस में नहीं है। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, अपनी तरफ से बेस्ट जज कर देगा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। सर ये आपने लिख रखा है? यस मैंने लिख रखा है। पेज नंबर बेटा 122 पे आइए, पेज नंबर 122 पे एक सेक्शन ये भी हो गया हमारा 122, ये मेथड ऑफ अकाउंटिंग। पढ़िए बेटा ध्यान से, मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या कह रहा है ये सेक्शन, अच्छे से पढ़िएगा क्या कह रहा है, थोड़ा टाइम लगाकर बेटा। मेथड ऑफ अकाउंटिंग, मेथड ऑफ अकाउंटिंग पीजीबीपी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बेटा कंप्यूट होती है या तो कैश के मेथड से या मर्केंटाइल से, मतलब जो भी असेसिंग मेथड ऑफ अकाउंटिंग लगा रहा है। दूसरा बेटा आईसीआई ने इनकम टैक्स ने नोटिफाई कर दिए आईसीडीएस, वही लगाने अकाउंटिंग करते वक्त अगर आप पीजीबीपी की इनकम निकाल रहे हैं या अदर सोर्सेज की इनकम निकाल रहे हैं। और तीसरा अगर ये वो सेटिस्फाई नहीं है बेटा अकाउंट्स के बारे में, जो उन्होंने बनाए हैं वो सही से नहीं है, सब सेक्शन वन से मतलब सेटिस्फाई नहीं है, वन और टू में जो इन्होंने मेथड लगाए हैं, तो एओ अपने तरीके से बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देगा बेटा 144। ये सेक्शन भी हमारा डन हो गया, लग गया। अभी मैं समरी बना रहा हूँ आपके लिए, पर पहले हम सेक्शन पूरा कर लें बेटा। हमने सेक्शन 30 से शुरू करी थी कहानी और हम कहाँ पहुँच गए थे, फिर हम समरी भी बनाएंगे। हमने सेक्शन 30 से शुरू करी कहानी, क्या कहानी हुई हमारी? सेक्शन 30 में हमने बोला कि अगर हम किसी बिल्डिंग में बिजनेस कर रहे हैं और हम उसमें किराए पर रह रहे हैं, तो हमें खर्चा अलाउड है रेंट का और रिपेयर का, और टैक्सेस का अलाउड है, टैक्स का जो भी टैक्स हम दे रहे हैं म्युनिसिपल टैक्स, पर यहाँ पर भी लिख लिया हम सब्जेक्ट टू सेक्शन 43 भी अलाउड है, राइट। इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा अलाउड है। अब देखो प्रीमियम का खर्चा पेबल भी है ना, देना भी है तो भी अलाउड हो जाएगा, जरूरी नहीं है पेड हो तभी, अगर मेथड ऑफ अकाउंटिंग पे डिपेंड करता है। मेथड ऑफ अकाउंटिंग कैश मेथड है तो इंश्योरेंस का खर्चा कब अलाउड होगा? जब हम पेड कर देंगे। और मेथड ऑफ अकाउंटिंग अगर एक्रूअल है तो पेबल बेसिस पे भी हो जाएगा, लेकिन कौन सा खर्चा? टैक्स, हाउस टैक्स, ये पेड बेसिस पे अलाउड होगा क्योंकि यहाँ पर सेक्शन 43 भी इन्होंने लगा दिया। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी होंगे बेटा वो डीम्ड बिल्डिंग डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 मान लिया जाएगा। सेम ऑनर के लिए, बस ऑनर के लिए रेंट अलाउड दिया, बाकी सब अलाउड है, सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन भी अलाउड है बेटा। अगर हम प्लांट मशीनरी फर्नीचर में पढ़ें तो ये बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम बिल्डिंग से मैच है, पर कुछ जरूरी बात है बेटा। नंबर वन, प्लांट में कोई म्युनिसिपल टैक्स नहीं जाते, रेट्स नहीं जाते, तो ये हम काट देंगे प्लांट, प्लांट में नहीं आएगा। नंबर टू बेटा क्या बोला मैंने, प्लांट में कोई म्युनिसिपल टैक्स नहीं जाएंगे। अभी हम इस सेक्शन को रीड भी कर लेंगे, एक बार डिटेल में हम रीड भी कर लेंगे सेक्शन में एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है, कैसे सेक्शन बता रहा है। पर मैंने क्या बोला प्लांट में बेटा, हमने क्या बोला कि प्लांट में हम म्युनिसिपल टैक्स, रेट्स, टैक्स ये नहीं देते। प्लांट में बेटा रिपेयर होगी अगर करंट रिपेयर, उसके खर्चे अलाउड है मालिक को भी टेनेंट को भी सेम। उसके बाद तीसरा खर्चा क्या था बताओ बेटा, प्लांट में भी सेम है
अगर रेंट पे लिया है तो रेंट अलाउड है टेनेंट को, और सामने वाले को डेप्रिसिएशन अलाउड है अंडर सेक्शन 32। हमें रेंट अलाउड है अंडर सेक्शन, पर ध्यान सुनिए, रेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिए, रेंट भी मेंशन नहीं किया हुआ यहाँ पर इस सेक्शन, करना चाहिए था पर नहीं किया, पर यहाँ इसलिए, पर रेंट है तो बिजनेस एक्सपेंडिचर ही, तो ये आगे की बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये अलाउड हो जाता है सेक्शन 37 में, पर यहाँ अलाउड नहीं है, रेंट नहीं लिखा हुआ सेक्शन है। पर मशीनरी अगर आपने अपनी खरीदी हुई है तो आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, रेंट में ली हुई है तो यहाँ पर नहीं मिलेगा, फिर सेक्शन 37 में डिडक्शन मिल जाएगी पूरी, बाकी मोटा माटी सेम है बेटा। मशीनरी अगर हम ले रहे हैं तो मशीनरी पर बेटा अगर आप टेनेंट हैं तो जनरली कैपिटल एक्सपेंडिचर टेनेंट करता ही नहीं है, मशीनरी पे क्यों करेगा बेटा। फॉर एग्जांपल आप अपनी शादी में जनरेटर लाए और जनरेटर में बेटा आपने चलाया, चलाते ही उड़ गया जनरेटर, तो आप थोड़ी ना लगाएंगे पैसे बेटा। आपने, चलो जनरेटर से भी अच्छा एग्जांपल दूँ, आपने अपनी शादी में डीजे वाले को बुलाया, डीजे बुलाया, डीजे पे इतना तेज डांस किया आपने, साला डीजे ही पूरा ख़त्म हो गया, तो आप पैसे थोड़ी ना दोगे, डीजे तो डांस करने के लिए होता है भैया। वो कह रहे डांस क्यों किया, इतना ज़्यादा डांस किया था आपने, फ्लोर है उस पर डांस किया, वो ख़राब हो गया, उसमें 2 लाख का खर्चा आया, आप थोड़ी ना देंगे, आपने तो रेंट पे मंगवाई मशीन। तो बेटा जनरली टेनेंट नहीं करता, और ओनर अगर करता है तो उसे डेप्रिसिएशन अलाउड है अंडर सेक्शन 32। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर टेनेंट अलाउड कर रहा है तो बेटा क्या हो जाएगा, अंडर सेक्शन कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड ही नहीं होगा, और ओनर कर रहा है तो उसको अलाउड हो जाएगा अंडर सेक्शन 32। क्लियर हो गया आपको, नहीं हुआ समझ आया, तो एक बार दोनों सेक्शन को पढ़ लेते हैं और फिर आपको कोई डाउट होगा तो मैं डाउट भी लूँगा। एक मिनट अभी आप फाइनल कंक्लूड ना करें, मैं समरी भी बनवा दूँगा इसकी, शॉर्ट में समरी बनवा दूँगा, ठीक है। तो एक बार सेक्शन को पढ़ लेते हैं, पेज नंबर 115 पे आ जाएंगे, पेज नंबर 115, यस पढ़ते हैं पेज नंबर 115 पर क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। बेटा रेंट, रेंट रेट टैक्सेस रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, अगर प्रीमिसेस आपने ऑक्यूपाइड करी है एसएससी ने एज अ टेनेंट, तो देखो दो खर्चे अलाउड होंगे, एक तो रेंट और एक रिपेयर, शॉर्ट में फटाफट। बेटा अगर ओनर की तरह अलाउड करिए तो खाली रिपेयर, रेंट तो जाएगा ही नहीं ना, किसके केस में रेंट नहीं जाएगा बेटा, रेंट नहीं जाएगा किस केस में, अगर आपने ओनर की तरह करी, किसकी तरह, ओनर की तरह। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं, क्या कह रहे हैं नेक्स्ट, एनी सम पेड ऑन अकाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, लोकल रेट, म्युनिसिपल टैक्स, अगर ये सब पे किए हैं आपने तो बेटा यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम, सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B, राइट 43B। नेक्स्ट अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड, देखो प्रीमियम पे भी वर्ड लिख रहा है पेड, और इस प्रीमियम का जब 43B नहीं लग रहा तो प्रीमियम का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, बोलो जल्दी सर, पेबल भी हो सकता है और पेड भी हो सकता है, मेथड ऑफ अकाउंटिंग पर डिपेंड। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आपने किए तो बेटा ओनर ने किए तो बिल्डिंग में ऐड हो जाएगा, टेनेंट ने किए तो डेप्रिसिएशन अलाउड हो जाएगा एज डीम्ड बिल्डिंग, उतने की बिल्डिंग मानते हो। क्लियर हुआ, आगे चलिए सेक्शन 31, रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी प्लांट, देखो बहुत छोटा सा है, रेवेन्यू रिपेयर दोनों को अलाउड है, इंश्योरेंस प्रीमियम दोनों को अलाउड है अगर यूज़ हो रहा है बिजनेस के लिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर बेटा रिपेयर पे कॉस्ट में ऐड हो जाएगा ओनर के लिए, और टेनेंट जनरली करता ही नहीं है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे ना एक अच्छी बात है, रेंट नहीं लिखा हुआ, देखो मशीनरी का रेंट भी, पर मैंने आपको बता दिया रेंट अलाउड है अंडर सेक्शन 37, यहाँ अलाउड नहीं है पर अलाउड है, क्योंकि आपके माइंड में आएगा सर रेंट फिर अलाउड नहीं होगा, गलत नहीं कर रहे मशीनरी अगर रेंट पर अलाउड है, पर इस सेक्शन में नहीं लिख रहा है यहाँ अलाउड नहीं। आई होप बेटा समझ आ गया होगा। अभी हमने कौन कौन से सेक्शन पढ़े, इन सेक्शन की एक बार समरी बना लें, छोटी सी समरी हमने बेटा शुरू किया था, फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन की शुरुआत कर रहे हैं। हमने बेटा शुरू किया था सेक्शन 30 से, सेक्शन 30 में या तो रेंट अलाउड है, अब मैं मिक्स करके पढ़ा रहा हूँ टेनेंट और ओनर, अगर आप टेनेंट है तो आप समझ जाना रेंट अलाउड है,
और अगर आप ऑनर हैं तो डेप्रिशिएशन अलाउड। सेक्शन 30 में रेंट अलाउड है या उसको डेप्रिशिएशन अलाउड होगा, पर यहाँ अलाउड नहीं होगा क्योंकि अंडर सेक्शन 32 में अलाउड होगा। पहला चीज, दोनों को बेटा रिपेयर अलाउड है। तीसरा, दोनों को टैक्स अलाउड है। चौथा, दोनों को इंश्योरेंस प्रीमियम अलाउड है। और टैक्स अलाउड है बेटा सब्जेक्ट टू सेक्शन 43 भी, जो है एक्चुअल पेमेंट बेसिस का, समझ रहे, एक्चुअल पेमेंट। और पांचवा बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो दोनों को डेप्रिशिएशन अलाउड है, एक को एज अ डीम्ड बिल्डिंग और एक को ओरिजिनल बिल्डिंग जिसकी है ही बिल्डिंग। बेटा समराइज हो गया सेक्शन 31 मशीनरी का। बेटा दोनों को, अच्छा यहाँ रेंट अलाउड भी नहीं है, रेंट अलाउड है अंडर सेक्शन 37 में, और डेप्रिशिएशन अलाउड नहीं है, डेप्रिशिएशन अलाउड है 32 में मालिक नंबर टू। बेटा दोनों को रिपेयर अलाउड है नंबर थ्री, टैक्स लगते ही नहीं है यहाँ नंबर चार। अगर मशीनरी पर बेटा एक और चीज़ प्रीमियम दिया है आपने, इंश्योरेंस प्रीमियम तो अलाउड है, तो देखो रिपेयर अलाउड, इंश्योरेंस प्रीमियम। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जनरली बेटा टेनेंट नहीं करता, कौन करता है, बस ऑनर करता है, और ऑनर को डेप्रिशिएशन अलाउड है। समरी समझ आ गई बेटा। एक सेक्शन पढ़ा था हमने यहाँ पर 43(2), हर बार पेड का मतलब पेड ही है, अगर मेथड ऑफ अकाउंटिंग कैश है। पेड का मतलब पेबल भी है अगर मेथड ऑफ अकाउंटिंग एक्रूवल है, राइट। लेकिन कभी कभी पेड का मतलब पेड ही है, कोई भी मेथड हो, मेथड कोई भी हो, मेथड रेलिवेंट नहीं हो, बशर्ते कि 43(b) लग गया तो, राइट। उसके बाद हमने एक और सेक्शन पढ़ा था बेटा 145, उसके अकॉर्डिंगली पहला पॉइंट मेथड ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंगली पीजीबीपी में इनकम कंप्यूट होती है, नंबर टू मेथड ऑफ अकाउंटिंग भी ICDS के अकॉर्डिंगली हो, और नंबर थ्री अगर आपने प्रॉपरली लगा रखे तो AO खुद कंप्यूट कर देगा। ये हो गया खत्म चारों सेक्शन। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से सेक्शंस की लिस्ट समझ आ गई होगी, अच्छे से क्लियर होंगे सारे सेक्शन। बेटा अभी तक एक घंटा हुआ है हमें, 1 आवर में हमने सेक्शन 30, 31, 43(2), 145, अगर आपने सच में पूरी वीडियो यहाँ तक देखी है, मन लगा के देखी है, तो आपको बड़ी अच्छी कनेक्टिविटी हुई होगी। अब आप देख ही नहीं रहे, बोर हो गए, तो बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता। आप इसे फास्ट पे भी देख सकते हैं, पर ना आपको देखना सब कुछ है, मतलब समझ रहे हैं, अगर आपको थोड़ा आता भी है तो आपका PGBP बहुत अच्छा रिवाइज हो सकता है, मतलब आपको ये रेगुलरली देखना चाहिए, समझ आना चाहिए। तो 30, 31, 43(2), 145 और 43(b) का एक पॉइंट ये हमने कवर किया। हम थोड़ा सा शुरुआत करते हैं आपने डेप्रिशिएशन को और फिर आगे बढ़ेंगे, देखते हैं क्या कहता है बेटा। अगला सेक्शन है हमारा डेप्रिसिएशन का, क्या कहता है ये सेक्शन, इसे देखते हैं ये सेक्शन में क्या कहता है। सेक्शन 32(1), इसकी भी मैं एक लिस्ट बनवा रहा हूँ आपको, बहुत काम आएंगी मेरी लिस्ट ही, और इस लिस्ट को ध्यान से समझ के चलिएगा। सबसे पहले 32(1)(2) को पढ़ते वक्त, डेफिनेशन को पढ़ते वक्त, एक अपनी बुक में ऊपर पेज नंबर 115 या 116 के ऊपर बना लें चार्ट। क्या ध्यान से डेप्रिसिएशन का सिस्टम समझे, बहुत काम का चार्ट है। क्या सिस्टम है डेप्रिसिएशन समझने की कोशिश करें बेटा। सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन का है, ये अटूट एक सत्य है, पर इसमें पहला पॉइंट ऐसे समझो, सेक्शन 32(1)(1), सेक्शन 32(1)(2), सेक्शन 32(1)(2)(a) और सेक्शन 32(1)(3). आपको सेक्शन के नाम इनमें ज़रूर याद होने चाहिए, आपको पता होने चाहिए क्या है, क्या कहना चाह रहा है। ये वन क्लॉज जो चल रहे हैं
बेटा इस ये सेक्शन ये यहाँ से हम ये वाला बंद कर देते हैं, ये नहीं है। सेक्शन 32(1)(1) बेटा ये है डेप्रिशिएशन ऑन, शॉर्ट में पावर मेकिंग यूनिट। जो कंपनियां बिजली बना रही हैं उनके लिए डेप्रिशिएशन लगता है 32(1)(1) में। 32(1)(2) बेटा नॉर्मल डेप्रिशिएशन सब के लिए, जितनी भी नॉर्मल इंडस्ट्री हैं उनको डेप्रिशिएशन अलाउड होगा। किसमें? नॉर्मल डेप्रिशिएशन 32(1)(2) पावर जनरेटिंग अंडरटेकिंग्स को यूज होगा, जो पावर जनरेट करनी है, जो पावर जनरेट कर रही है उनके लिए डेप्रिशिएशन यूज होगा 32(1)(1) में। 32(1)(2)(a) में बेटा एडिशनल डेप्रिशिएशन होगा। ये स्पेसिफिक सेक्शन। और 32(1)(3) में टर्मिनल डेप्रिशिएशन। हम इन्हें ना बहुत डिटेल में पढ़ेंगे पर फिलहाल आपके पास ये चार्ट होना चाहिए समझने के लिए। 32(1)(1) में डेप्रिशिएशन ऑन पावर मेकिंग यूनिट, पावर जनरेटिंग यूनिट। जो कंपनियां, जो इंडस्ट्रीज पावर जनरेट करती हैं, बिजली बनाती हैं, उनके लिए बेटा डेप्रिशिएशन लगेगा सेक्शन 32(1)(1). एक बार कॉपी करिए इसे। सेक्शन 32(1)(1) पावर जनरेटिंग यूनिट्स पर सेक्शन 32(1)(1) लगता है। 1(2) नॉर्मल डेप्रिशिएशन है हर इंडस्ट्री पर। 1(2)(a) एडिशनल डेप्रिशिएशन है और 32(1)(3) टर्मिनल डेप्रिशिएशन। ये क्या होते हैं इनको डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे। हमें सबसे पहले सीरीज में पढ़ना पड़ेगा बेटा नॉर्मल डेप्रिशिएशन किसी भी इंडस्ट्री में। हम कौन सा सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं? सेक्शन 32(1)(2) नॉर्मल डेप्रिशिएशन। ये तो हर इंडस्ट्री पे लगता है नॉर्मल डेप्रिसिएशन। कैसा डेप्रिसिएशन? नॉर्मल डेप्रिसिएशन। ध्यान से पढ़िएगा क्या कहना चाह रहा है नॉर्मल डेप्रिसिएशन के लिए और किस तरीके से सेक्शन को करेंगे। अच्छा इंपॉर्टेंट सेक्शन, कैपिटल गेन से भी लिंक होगा आपको आगे। बेटा सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, ये कॉपी कर लीजिएगा अपने दिमाग में, जनरल बात। इनकम टैक्स में ना चार ही एसेट पर डेप्रिशिएशन लगता है, ये समझ लो। एक बिल्डिंग, ध्यान से सुनिएगा, एक प्लांटेड मशीनरी, एक फर्नीचर और एक कुछ इंटेंजिबल एसेट्स। अब देख रहे हैं आप इनकम टैक्स की दुनिया कैसी है। नॉर्मली अकाउंट में इंटेंजिबल असेट्स अमोर्टाइज होती हैं, डेप्रिशिएबल थोड़ी ना होती है, ये घिसती थोड़ी ना इंटेंजिबल असेट, अमोर्टाइज होती है, मतलब पैसा गया हुआ है, इनकी कॉस्ट को हम धीरे धीरे चार्ज करते हैं, सच में फिजिकली असेट थोड़ी ना घिसती है। जब देखो असेट में भी घिसावट आए और वैल्यू भी कम हो तो उसे बोलते हैं डेप्रिशिएशन। जब असेट में घिसावट नहीं है और उसकी वैल्यू कम होती जा रही है धीरे 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 धीरे, असेट कोई घिसने नहीं, जैसे हमने कोई ट्रेडमार्क ले रखा है और 10 साल के लिए रजिस्टर्ड करवा रखा है ट्रेडमार्क, तो बेटा जितना टाइम कम होता चला जाएगा उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी, और ट्रेडमार्क तो ट्रेडमार्क ही रहेगा, उसको घिसावट थोड़ी ना आएगी मार्क में, इंटेंजिबल असेट है, गुडविल है, उसमें कोई घिसावट थोड़ी ना आएगी, इसलिए उनको अमोर्टाइज करते हैं कि ये तो काफ़ी साल के बेनिफिट है, काफ़ी साल में ये खर्चे जो गए हैं गुडविल खरीदी है ये तो काफ़ी साल का खर्चा है। तो बेटा इनकम टैक्स में चार ही एसेट पर डेप्रिशन लगता है। वन क्या है? वन क्या है बताइए जल्दी। बिल्डिंग, दूसरा प्लांट एंड मशीनरी, तीसरा फर्नीचर और चौथा इंटेंजिबल एसेट। सबसे पहले तो ये बात गांठ मार लेना होता है क्योंकि ना बच्चे कई बार गड़बड़ करते रहते हैं, सर ये एसेट है, इन्हीं चार हेड में टैक्स लगेगा, या तो वो बिल्डिंग होनी चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी, या फर्नीचर, या इंटेंजिबल एसेट। अच्छा इंटेंजिबल एसेट में भी एक्सेप्ट गुडविल, ये भी ध्यान रखना, एक्सेप्ट गुडविल, गुडविल पर नहीं लगाता इनकम टैक्स में डेप्रिशिएशन, एक्सेप्ट गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन।
मतलब सर क्या कवर होगा, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, इन पर लग जाएगा, या कोई राइट टू यूज़ है किसी चीज़ का, कोई लाइसेंस है, कोई भी सिमिलर नेचर की चीज़ है। बड़ा क्लियर हुआ? अब पढ़ना शुरू करते हैं, अब हम बुक से ही पढ़ेंगे, इसे तभी समझ आएगा। सेक्शन 32(1)(2) डेप्रिशिएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर और इंटेंजिबल एसेट। सॉरी, ये तो टेंजिबल है, यहाँ पर क्या इंटेंजिबल आ गया, एक मिनट से हटा देते हैं। बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सब क्या है? टेंजिबल एसेट। दूसरा आता है चौथा पॉइंट, नाउ हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, बीइंग इंटेंजिबल एसेट, मतलब सारी इंटेंजिबल एसेट जो कब खरीदी हो 1498 से, 198 से पहले बेटा कुछ और ट्रीटमेंट होता था इसलिए लिखा हुआ है, पर यहां पर आप लिख लें एक्सेप्ट गुडविल, एक्सेप्ट गुडविल, गुडविल को छोड़कर, राइट, बाकी कोई भी चीज है। बेटा अगला पॉइंट है ओन्ड, होली और पार्टली बाय द असेसर। ओन्ड वर्ड को अंडरलाइन कर लेना बेटा, ओन्ड होनी चाहिए असेट, मालिक होने चाहिए। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दो, अगर असेसी ओनर है, अगर असेसी ओनर है तो ही डेप्रिशिएशन लगेगा, अगर आप ओनर नहीं है तो डेप्रिशिएशन नहीं लगता बेटा। असेसी का ओनर होना जरूरी है, अगर वो पार्टली ओनर है पार्टली डेप्रिशिएशन, जैसे जैसे समझ सकते हैं। एक असेट है 5,00,000 रुपए की और उसके दो लोग पार्टनर हैं, ए और बी, ए एंड बी, राइट, 50-50%, तो 50% डेप्रिशिएशन किस पर लग जाएगा? ए पर, और 50% किस पर लग जाएगा? बी पर। बड़ा क्लियर हो रहा है? समझ आ गया? असेट का ओनर कौन है? असेसी। अगर ओनर है तो ही डेप्रिशिएशन लगेगा। अच्छा, ओनर में एक और बात लिख लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट बात है, ओनर चाहे बेनिफिशियल ओनर है, वो बेनिफिशियल ओनर ऑल्सो, सर बेनिफिशियल ओनर का मतलब क्या है बेटा? एक होता है बेनिफिशियरी, एक होता है बेनिफिशियल ओनर। अगर आपने कोई असेट खरीदी, आपके पास पैसे दिए, पैसे मैंने दिए और असेट आपके नाम पे लिए, एक चैप्टर में और भी पढ़ाया था, तो मैं क्या हो गया? बेनिफिशियल ओनर, क्योंकि पैसे मैंने दिए, आप क्या हो गए? बेनिफिशियरी। असलियत में ना इनकम टैक्स डेप्रिशिएशन उससे लगवाएगा जिसने पैसे दिए, जिसके पैसे लगे पड़े असेट में, जिसकी इन्वेस्टमेंट हुई पड़ी है। तो ऐसे मान लीजिए इनकम टैक्स डेप्रिशिएशन किसको क्लेम करवाएगा? जिसकी इन्वेस्टमेंट हुई पड़ी है, जिसकी, देखिए ध्यान से सुन लो, ये अटेंशन टेस्ट में भी आएगा, पूछूंगा मैं आपसे, इनकम टैक्स असलियत में डेप्रिशिएशन किसके ऊपर लगाता है? जिसने इन्वेस्ट कर रखा है असेट, जिसने सच में पैसे इन्वेस्ट कर रखे, किसके नाम पर है इट डजंट मैटर, समझ आ रहा है? किसने पैसे लगा रखे हैं असेट में? क्लियर हो रहा है? अभी पैसे आप दे रहे हैं, धीरे धीरे दे रहे हैं, अभी किसके इन्वेस्ट हैं असेट में पूरे पैसे, वो उस पर डेप्रिशिएशन लगता है, दे रहे हैं तो नहीं। एंड यूज्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, फेस टू फेस वाले बच्चे जानते भी हैं इंपॉर्टेंट क्यों है। एंड यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, बेटा यूज हो रहा है ना जिस पर्पस के लिए, क्या हो रहा है? यूज, बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज होना जरूरी है। और यहां पर दो वर्ड, एक तो एक्चुअली में यूज हूं, मतलब पुट टू यूज हूं। सर पुट टू यूज का मतलब क्या है? पुट टू यूज का मतलब है एक असेट खरीद लाया, अभी तक तो हमने उसकी पैकिंग भी नहीं फाड़ी, अभी तो खोली नहीं है वो असेट, कंप्यूटर लाया भी खोला ही नहीं, शुरू ही नहीं किया, तो बेटा वो उस पर डेप्रिशिएशन नहीं लगा। पुट टू यूज होनी चाहिए पहली चीज तो, दूसरी चीज उसका पैसिव यूज भी चलेगा, जरूरी नहीं है एक्टिव यूज ही। बेटा 2 महीने से मेरा कंप्यूटर मैंने रखा हुआ है पर यूज नहीं करा, पर शुरू में यूज कर लिया था, स्टार्ट किया, यूज करना शुरू कर दिया, फिर 2 महीने में बिजी हो गया और फेस टू फेस क्लासेस में मैंने अपना कंप्यूटर यूज नहीं किया, तो बेटा वैसे तो यूज हो ही रहा है, पैसिव यूज। जैसे बेटा सर्दियों में एसी,
चला नहीं रहे तो एसी लगा तो बिजनेस में हुआ है, उसे बोलते हैं पैसिव यूज। अभी पंखा है मेरे ऊपर, पंखा लगा हुआ है वो चल रहा है, एक्टिव यूज हो रहा है, पर पंखा अगर बंद कर रखे हैं और पंखे मैंने बंद किए हुए हैं स्टूडियो में तो पैसिव यूज तो है ही उसका, वो लगा हुआ है वहाँ पर, क्लियर हो रहा है, तो पैसिव यूज भी चलेगा। यूज़ होना चाहिए, फोटो यूज़ होना चाहिए, एक्चुअली भी यूज़ होना चाहिए। यूज़ होने के बाद फिर चाहे थोड़े दिन के लिए यूज़ नहीं भी हो रहा है तो भी वो पैसिव यूज़ माना जाएगा, मतलब बिजनेस में तो चल ही रही है ना सर। हर बेंच पर बेटा जरूरी थोड़ी ना बच्चे बैठे हैं, बेंच लगा दिए हैं यूज़ हो रही है, इस बैच में बच्चे कम हो गए तो उन बेंचेस पर अगर बच्चे नहीं बैठे तो थोड़ी ना वो यूज़ नहीं हो रही, वो पैसिव यूज़ है। बड़ा क्लियर हुआ नहीं हुआ? फोटो यूज़। और ना जो रेट होंगे, देखो ध्यान से सुने, रेट्स जो होते हैं वो यूज़ के हिसाब से होते हैं इनकम टैक्स, वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं 5 मिनट बाद। अगला आता है डेप्रिशिएशन शैल बी अलाउड, डेप्रिशिएशन शैल बी अलाउड, यहाँ पे लिख लो पक्का पक्का, पक्का पक्का मतलब डेप्रिशिएशन अलाउड है, मैंडेटरी। कैसे है डेप्रिशिएशन, देखो नीचे भी लिख रखा है मैंने, ये लिख रखा है डेप्रिशिएशन मैंडेटरी है, यहाँ भी लिख लो मैंडेटरी है। मतलब कभी कभी आपका दिल नहीं भी करेगा ना डेप्रिशिएशन लेने का, वैसे देखो एक क्वेश्चन भी आ रहा होगा बच्चों के दिमाग में, सर एसएससी क्यों मना करेगा डेप्रिशिएशन लेने का, एसएससी की इनकम अगर 20 लाख है और उसे 3 लाख का डेप्रिशिएशन मिल रहा है तो उसकी इनकम तो 17 लाख ही रह जाएगी, वो तो चाहेगा वो 3 लाख का डेप्रिशिएशन लेस करे, वो क्यों मना करता होगा। मैंने कहा है एक प्रोविज़न आगे आएगा अभी जिसमें मैं बताऊंगा वो मना क्यों करता होगा। अगर एसएससी का दिल नहीं भी है, पर याद रखना उस दिन जब मैं बताऊंगा ये बात, अगर एसएससी का दिल नहीं भी है ना डेप्रिशन नहीं यूज़ करना मुझे नहीं लगाना तो भी वो बोल रहे हैं डेप्रिशन मैंडेटरी है भैया, डेप्रिशन की रिडक्शन तो इनकम टैक्स ही बोल रहा है मैं दूंगा दूंगा, बेटा असेट की वैल्यू भी तो कम होगी अगर डेप्रिशिएशन लेस होता चला जाएगा, तो एसएससी से बोल रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कि डेप्रिशिएशन तो मैं अलाउड करवाऊंगा करवाऊंगा। किस पर बेटा, ऑन द WDV लिख लो, PGBP के चैप्टर में, PGBP में, इस चैप्टर में, इस चैप्टर में नहीं मतलब PGBP में ही डेप्रिशिएशन जो होता है, क्या होता है जो डेप्रिशिएशन, वो SLM मेथड से नहीं लगेगा, वो हमेशा ब्लॉक ऑफ असेट WDV मेथड से ही लगेगा। किससे लगेगा? WDV मेथड से, SLM से नहीं लगेगा, समझ रहे हैं? अकाउंटिंग की दुनिया में आप डेप्रिशिएशन SLM से भी लगा सकते हैं, WDV से भी लगा सकते हैं, पर बेटा PGBP की दुनिया में डेप्रिशिएशन आपको कैसे क्लेम करने के लिए बोला है बस इन्होंने WDV से, आप SLM से नहीं लगा सकते। ऑन द WDV ऑफ द ब्लॉक ऑफ असेट, बेटा डेप्रिशिएशन ब्लॉक ऑफ असेट्स पे ही लगेगा। अब आपका क्वेश्चन आएगा दिमाग में, सर ब्लॉक ऑफ असेट क्या है, अभी पढ़ते हैं। एट द प्रेस्क्राइब परसेंटेज, बेटा उन्हीं परसेंटेज से लगेगा जो इनकम टैक्स में मेंशन है, जो इनकम टैक्स में मेंशन है उसी परसेंटेज से लगेगा। आपकी मर्जी नहीं है कि हम तो जी अकाउंट में 25% डेप्रिशिएशन लगा रहे हैं, 30 लगा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, असेसी क्या चाहेगा, उसके डेप्रिशिएशन रेट हाई हो या कम हो? हाई। पर इनकम टैक्स ने ना जेन्युइन खर्चे अलाउड करने, मैंने आपको बताया था इनकम टैक्स जेन्युइन, इनकम टैक्स ने अपने रेट दे दिए कि डेप्रिशिएशन किस रेट से अलाउड होगा वो मैं बताऊंगा। इनकम टैक्स ने बोल दिया डेप्रिशिएशन किस रेट से अलाउड होगा वो मैं बताऊंगा प्रेस्क्राइब परसेंटेज। और ना बेटा एक चीज़ और, इनकम टैक्स कह रहा है मैं ब्लॉक ऑफ असेट मेथड से लगाऊंगा डेप्रिशिएशन। सर ब्लॉक ऑफ असेट मतलब ये क्या है, अभी पढ़ते हैं, ब्लॉक ऑफ असेट का मीनिंग ये रहा बेटा, सेम रेट आप लिख लो, ऐसे लिख लो सेम रेट एंड सेम हेड, अभी एग्जाम्पल से पढ़ते हैं, इज इक्वल टू 1 ब्लॉक, सेम रेट प्लस सेम हेड इज इक्वल टू 1 ब्लॉक। बट प्रेस्क्राइब परसेंटेज मतलब इनकम टैक्स कह रहा है मैं अपने रेट दूंगा किस रेट से लगेगा, और ये वाला पॉइंट तो बोल ही रहा है डेप्रिशिएशन मैंडेटरी है, डेप्रिशिएशन मैंडेटरी, हमने यहाँ लाइन बनाई थी डेप्रिशिएशन मैंडेटरी। आपका मन भी नहीं करेगा ना, डज नॉट क्लेम, असेसी क्लेम भी नहीं करता तब भी इनकम टैक्स अलाउड करेगा। सर आप बता रहे थे ब्लॉक के बारे में, यस मैं बता देता हूँ,
बेटा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, इनकम टैक्स में चार ही असेट हैं जिन पर डेप्रिशिएशन लगता है। अब देखिए जरा ध्यान से सुनिए, सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप कहाँ गए। अब ये ब्लॉक का मेथड क्यों बना? बेटा एक एक कंपनी में दो दो करोड़ असेट होती है, पागल हो जाएंगे डेप्रिशिएशन लगाते लगाते। इन्होंने कह दिया चार हेड में बांट लो सारी असेट। कितने हेड में? बिल्डिंग में, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इंटेंजिबल असेट, और उसमें भी ना ब्लॉक बना लो, बिल्डिंग के ब्लॉक बना लो जितने बनाने हैं, अलग अलग कैटेगरी की बिल्डिंग लिख लो, अलग अलग कैटेगरी की मशीनरी लिख लो, अलग अलग कैटेगरी का फर्नीचर लिख लो, अलग अलग कैटेगरी के इंटेंजिबल असेट। और अभी थोड़ी देर पहले बताया अगर ऐसी बिल्डिंग है जिन पर रेट सेम है और वो हेड भी उनका बिल्डिंग ही है तो उनका एक ही ब्लॉक बना दो ना, वन ब्लॉक। बेटा ऐसे जैसे एग्जांपल देखिए, हमारी कंपनी में सोफा सेट है हमारे पास जिस पर डेप्रिशिएशन का रेट 10% है, टेबल है जिस पर डेप्रिशिएशन का रेट 10% है, एक मशीनरी है प्रोजेक्टर जिस पर डेप्रिशिएशन का रेट 10% है, एक चेयर है जिस पर डेप्रिशिएशन का रेट 10% है, फॉर एग्जांपल है एक बेटा कंप्यूटर है जिस पर डेप्रिशिएशन का रेट 10%। अब आपके दिल में ऐसा तो नहीं आ रहा सर इन सब का एक ब्लॉक बन जाएगा वन ब्लॉक? तो गलत है आंसर। बेटा सोफा सेट क्या होता है? रेट 10%, यस। और क्या होता है? फर्नीचर। बेटा टेबल क्या होती है? 10% और फर्नीचर। मशीनरी क्या होती है? बेटा मशीनरी अलग ब्लॉक हो गया क्योंकि मशीनरी होती है, रेट सेम है पर हेड तो अलग हो गया। बेटा चेयर सेम है, फर्नीचर। तो बेटा फर्नीचर का एक ब्लॉक बन गया, एक ब्लॉक 10% जिसमें तीन असेट आ गई, सोफा बताइए आप, टेबल और चेयर, और एक हेड बन गया मशीनरी का जिसमें क्या क्या आ गया? कंप्यूटर और मशीनरी, दो असेट आ गए। आया समझ नहीं आया? रेट सेम है और हेड सेम होना चाहिए जिसमें वो जाएगी। चलो अब आप एग्जांपल से बताओ ब्लॉक के बारे में, 2 for 2 एग्जांपल नंबर 2 बता पाएंगे आप या नहीं बता पाएंगे देखते हैं। बेटा मेरे पास मेरे बिजनेस में एक सोफा है, रेट है 15%, एक टेबल है रेट है 10%, एक एसी है रेट है 15%, एक प्रोजेक्टर है रेट है 10%, एक मशीनरी है और रेट है 10%, और एक टेबल एक चेयर है रेट है 15%। बताओ कितने ब्लॉक बनेंगे? बेटा सोफा 15% वन ब्लॉक, ब्लॉक नंबर ए लिख लेते हैं इसका नाम, टेबल 10% ब्लॉक नंबर बी में जाएंगे, रेट अलग हो गया, एसी 15% कोई ब्लॉक सी में जाएगा, बेटा प्रोजेक्टर 10% ब्लॉक डी में जाएगा, रेट अलग हो गया। देखो एक चीज और, सी और डी किसके हैं? मशीन के, मशीनरी के ब्लॉक हैं, दो ब्लॉक हो गए अलग अलग, और ये दोनों ही फर्नीचर के हैं, ये दो अलग अलग ब्लॉक क्यों बने बताओ? सर इसका रेट 15 है इसका 10 है, मशीनरी के भी दो अलग अलग क्यों बने? इसका 15 इसका 10। अब मशीनरी का एक और आ गया 10, बेटा 10 वाला तो डी में ही चला जाएगा मशीन में, और चेयर का 15 बेटा सोफे में चला जाएगा चेयर। तो कितने ब्लॉक बने टोटल? ए बी सी डी। ए ब्लॉक में कौन कौन सी असेट आ गई? सोफा एंड चेयर, इनका रेट भी सेम है और हेड भी सेम है फर्नीचर। बी में कौन कौन सी आ गई? केवल टेबल 10%। सी में कौन कौन आ गया? केवल एसी 15%। और डी में कौन आ गया? दो असेट, कौन कौन? प्रोजेक्टर और बेटा एक मशीनरी और है। टोटल असेट यहाँ पर 2 और 2 4 और 2 6 असेट है, देखो 6 की 6 कवर हो गए। ब्लॉक बनाना आ गया होगा समझ? ब्लॉक समझ आ गया? तो ब्लॉक ऑफ असेट पर डेप्रिशिएशन लगता है इनकम टैक्स, सीधे इकट्ठा डेप्रिशिएशन लगा देंगे सोफे और चेयर पे एक साथ। कैसे लगाएंगे ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, पर फिलहाल मैंने आपको बताया एक साथ डेप्रिशिएशन लगा देंगे।
बेटा रेट्स और मैं बस एक बार नज़र करवा देता हूँ आपको, क्योंकि रेट आपको लर्न करने हैं, फिर बाकी आपको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एक और है इसमें मीनिंग ऑफ प्लांट, प्लांट का मीनिंग क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है। प्लांट इंक्लूड शिप्स, कह रहे हैं गाड़ियाँ, शिप्स, बुक्स भी प्लांट एंड मशीनरी में जाएंगे। अब आपने कंपनी में बुक्स खरीदी तो बुक्स फर्नीचर भी नहीं होती, बुक्स बिल्डिंग भी नहीं होती, और बुक्स इंटेंजिबल असेट भी नहीं है, तो कहाँ पे कंप्लीट कर दिया। इनकम टैक्स ने देखो प्लांट की डेफिनेशन में दे दी है, व्हीकल, शिप, बुक्स, साइंटिफिक, जो भी अपर्चर्स हैं, सर्जिकल इक्विपमेंट है, जो भी बिजनेस में यूज़ हो रहे हैं। पर दो चीज़ें यूज़ नहीं, दो चीज़ें बिजनेस में यूज़ भी हो रही हैं तो भी ये प्लांट नहीं है। एक तो टी बशेस, एक लाइव स्टॉक, और एक बिल्डिंग और फर्नीचर एंड फिटिंग। अगर बेटा कोई चीज़ बिल्डिंग नहीं है, अगर कोई चीज़ बिल्डिंग है तो प्लांट कैसे हो सकती है, कोई चीज़ फर्नीचर है तो प्लांट कैसे हो सकती है। और लाइव स्टॉक को इन्होंने साफ साफ बोल दिया। एक बच्चे ने पूछा सर फिर लाइव स्टॉक क्या होती है, लाइव स्टॉक बेटा कैपिटल असेट हो सकती है। लाइव स्टॉक का मतलब सर जानवर, गाय, भैंस, डॉगी, हम जिन्हें बेच खरीद सकते हैं, तो बेटा ये लाइव स्टॉक है, लाइव स्टॉक पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा प्लांट। सर लाइव स्टॉक भी बिजनेस में खरीदते हैं, हाँ खरीदते हैं, तो एक्सपेंस अलाउड हो जाएगा कहीं ना कहीं। आपने 2 लाख रुपए का हाथी खरीदा अपने बिजनेस में, तो एक्सपेंस अलाउड होगा कहीं ना कहीं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे सेक्शन 36 में, पर लाइव स्टॉक पर डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होगा। बेटा टी बशेज होती हैं, जो चाय की पत्तियों के बगान लगे होते हैं टी के, उनमें बशेज मतलब वो जो झाड़ियाँ टाइप में होती हैं, तो उन पर भी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा जो बचा बचा है। बेटा रेट है कुछ इनकम टैक्स में, प्रेस्क्राइब रेट फॉर डेप्रिसिएशन गिवन इन रूल 5, यहाँ पर लिख लो रेट्स हमेशा इनकम टैक्स के ही फिक्स हैं, रेट यही रहेंगे, पर ये यूज़ के हिसाब से है, किस बिजनेस में यूज़ हो रही है, किस बिजनेस में यूज़ हो रही है, ऐसे लिख लो जो रेट्स हैं, रेट्स यूज्ड के अकॉर्डिंग है, किसके अकॉर्डिंग है, यूज़ के अकॉर्डिंग। समझ आया बेटा, रेट्स किसके अकॉर्डिंग है, यूज़। जैसे बिल्डिंग, कह रहे हैं बिल्डिंग आपकी है, अगर आप रोड बना रहे हैं, ब्रिज बनाते हैं, कलवर्ट्स हैं आपके पास, वेल्स हैं, कुएं हैं, ट्यूबवेल्स हैं, बिल्डिंग में कुछ भी आ सकता है। अब बिल्डिंग किस लिए यूज़ हो रही है, कह रहे हैं जो यूज़ कर रहे हो आप रेजिडेंशियल बिल्डिंग यूज़ हो रही है। बेटा रहने के लिए यूज़ नहीं हो रही, बिल्डिंग रेजिडेंशियल यूज़ हो रही है, ध्यान से सुनिए। जैसे मैं अपने घर में ही शॉप खोल लूँ, दुकान खोल लूँ, बिल्डिंग कैसी थी, रेजिडेंशियल, क्योंकि यूज़ तो बिजनेस में ही होनी चाहिए। पर कौन सी बिल्डिंग यूज़ हो रही है बेटा, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, किस में यूज़ हो रही है, बिजनेस में। पर होटल्स वगैरह नहीं, होटल एंड बोर्डिंग हाउस नहीं, होटल यूज़ हो रहे हैं, बोर्डिंग हाउस है तो उन पर डेप्रिसिएशन अलग लगेगा, तो देखो घिसावट 5% होगी। अगर बिल्डिंग आपने कब खरीदी थी, 1 सितंबर 2002 के बाद, क्या करने के लिए, उसमें कोई मशीनरी लगाई है, कोई वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट लगाया है, वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम लगाया है। बेटा ये बिल्डिंग एक्सक्लूसिवली यूज़ हो रही है, आपको पता है अगर बिल्डिंग इन्हीं पर्पस के लिए यूज़ हो रही है, जैसे बिल्डिंग में आपने वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट लगा दिया लैंड पर, बेटा वो बिल्डिंग का ना दूसरा कोई यूज़ करना बड़ा मुश्किल है, बिल्डिंग घिस चुकी होती है, पानी लग चुका होता है बिल्डिंग में, दीवारें की सील चुकी होती हैं, दीवारों मतलब बहुत ज़्यादा वेट होता है दीवारों, ऐसी दीवारें निकाल कर नई बनानी पड़ेंगी, तो ऐसी बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन कितना होगा, 40%। प्योरली टेम्परेरी इरेक्शन है, सच एज वुडन स्ट्रक्चर, अगर आपने वुडन स्ट्रक्चर वगैरह लगाया तो कितना परसेंट है बेटा, 40%। अगर नॉर्मली टेम्परेरी स्ट्रक्चर है तो बेटा 100% है, लेकिन अगर वुडन स्ट्रक्चर वगैरह की तरह बिल्डिंग है तो 40% है। बिल्डिंग अदर देन नॉट कवर्ड हुआ, बेटा यही तो है मेन बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग, यही तो सारी बिल्डिंग है, ऊपर जितनी भी बिल्डिंग कवर थी। सर क्या ये टैक्स के ये रेट हमें याद करने पड़ेंगे डेप्रिसिएशन के, यस। बेटा बिल्डिंग अगर रेजिडेंशियल है और उसमें आप बिजनेस कर रहे हो तो 5%, बिल्डिंग टेम्परेरी है वुडन स्ट्रक्चर की तरह, या किसी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट ऐसे पर्पस के लिए यूज़ हो रही है स्पेसिफिक, तो 40% है, और कमर्शियल बिल्डिंग है इसके अलावा तो 10% है। बेटा कितना तो आसान हो गया। सर अगर फर्नीचर एंड फिटिंग्स हैं तो कितना है, 10% है। मशीनरी एंड प्लांट है बेटा, मोटर कार, अगर आप टैक्सी के बिजनेस में नहीं चलाते
तो 15% है, और टैक्सी में चलाते हैं आप तो देखो 30% है, तो ज़्यादा घिसेगी ना आपकी कार। अब मैं अपनी कार को लेके आता हूँ अपने इंस्टीट्यूट में, अपने कोचिंग्स में, अपने काम के लिए, तो बेटा 15% डेप्रिशन यूज़ हो जाएगा मेरी कार, और मैं कार को टैक्सी में ही चला रहा हूँ, बिजनेस ही टैक्सी का है, तो बेटा 30%। दूसरा, कोई मोल्ड्स यूज़ हो रहे हैं, रबड़ एंड प्लास्टिक गुड्स फैक्ट्री में मोल्ड्स होते हैं, डाइस टाइप में होते हैं, पर जैसे ग्लास बनाया हमने, ये पैन बनाया तो ये किसी मोल्ड में रख के बनाया, मोल्ड्स डाइज होती है बड़ा, ये यूज़ हो रहे हैं, इन पर भी 30%। मशीनरी एंड प्लांट यूज़ हो रहे हैं सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री में, कवरिंग इंटीग्रेटेड सर्किट ये सब बेटा थोड़ी टेक्निकल टर्म है तो ये तो लॉन ही करना पड़ेगा। ऐसी कोई भी मशीनरी और प्लांट है तो उसमें 30% है, जो सर्किट्स बना रहे हैं, स्मॉल इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लार्ज इंटीग्रेशन कर रहे हैं। लास्ट में, अगर कोई कमर्शियल व्हीकल है जो आपने कब खरीदा है, सर ये हट चुका है अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है, कह रहे हैं 1 अक्टूबर 98 के बाद ख़रीदा था और इससे पहले पहले आपने यूज़ कर लिया है, इस पुट टू यूज़ बेटा 1 अप्रैल 1999 से पहले पहले, ये तो बहुत पुराना हो गया तो ये अब काम का नहीं। एरोप्लेन्स हैं, उनमें भी 40% डेप्रिशिएशन है। एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट है 40, ये लर्न करना पड़ेगा आपको। ये वाटर पॉल्यूशन है, सॉलिड वेस्ट है, लाइफ सेविंग है, इन सब पे बेटा सब पे 40% डेप्रिशिएशन। बुक्स इंपॉर्टेंट है, अगर बुक्स आपने लिए एनुअल पब्लिकेशन की और या कोई और भी बुक, अब सब तरह की बुक पे तो 40% है तो बुक को भी क्या पढ़ाए। वैसे एनुअल पब्लिकेशन होती है जैसे टैक्स की बुक, हर साल बदल जाती है, अमेंडमेंट आ जाती है, तो बेटा 40% है। शिप्स पर कितना है बेटा 20% है। इंटेंजिबल असेट्स पर कितना है सर, इंटेंजिबल असेट्स पर है 40%, तो सॉरी यस इंटेंजिबल असेट्स पर 25%। ये बेटा फेस टू फेस में हमने डिस्कस किया था कि जो असेसी इंगेज है, चलो इसका क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ आपसे, आपको अच्छा समझ आ जाएगा और उसके बाद आज के लेक्चर को हम ओवर करते हैं। बेटा एक असेसी है, देखते हैं आप सही बता पाएंगे या नहीं। इस असेसी की दुकान पर कार्स बिकती हैं, बहुत सारी कार है। एक बंदा आया इसके पास, ये कहने लगा मुझे 5 कार दे दीजिए। बंदे ने कह दिया ठीक है भैया, 5 कार 50 लाख रुपए की। ये कह रहा है सर जी 50 लाख रुपए तो मेरी जेब में नहीं है, मैं आपको अभी फिलहाल 5 लाख रुपए दे देता हूँ और आपके बचे हुए 45 लाख मैं 5-5 लाख की 10 इंस्टॉलमेंट बनवा लेता हूँ हर साल, टोटल मैं 50 लाख और दे दूँगा। 5 अभी दे दिए, 50 और दे दूँगा, टोटल 55 लाख रुपए पहुँच जाएंगे आप पर। अगर मैं कैश में ख़रीदता हूँ कार को तो सर 50 लाख में दे रहे थे आप अभी, तो मैं आपको 5 लाख का क्या और दे रहा हूँ इंटरेस्ट, फाइनेंस चार्जेस, आपने ये पढ़ा भी होगा हायर परचेज। ये कह रहा है सर जी 5 लाख मैं अभी दे रहा हूँ, बचे आपके 45 लाख विद ब्याज, आपको मैं 50 लाख और दे दूँगा, मतलब टोटल 55 लाख में कार पड़े। इसने भी कह दिया असेसी ने ठीक है, जब तू लास्ट इंस्टॉलमेंट दे देगा मेरी 5 लाख वाली, तब मैं तुझे इस कार का ऑनर बना दूंगा सारी कार्स का। उसने कहा ठीक है डन। ये काम क्या करेगा बेटा, जो लेके गया ये टैक्सी में यूज़ करेगा इन कार को, टैक्सी बिजनेस में। कल को ये कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया तो असेसी कार छीन के ला सकता है अपनी। मेरा क्वेश्चन है आपसे, कार पर डेप्रिशिएशन कौन लगाएगा? बेटा ध्यान से समझिए, कार पर डेप्रिशिएशन कौन लगाएगा? जो ऑनर है, याद होगा आपको। क्या ऑनर बेटा टैक्सी में यूज़ कर रहा है कार को? ऑनर तो नहीं यूज़ कर रहा है टैक्सी, तो ओनर पर तो 15% लगना चाहिए था डेप्रिशिएशन, नहीं, लेकिन डेप्रिशिएशन लगता है यूज़ के हिसाब से, तो कितना लगेगा 30, क्योंकि यूज़ किस में हो रही है कार? टैक्सी बिजनेस में। मैंने बोला था कार का यूज़ क्या हो रहा है? टैक्सी। पर डेप्रिशिएशन किस पर लगेगा? ओनर पे। तो एक नोट दे रखा है, ये पढ़ लीजिए। द असेसी जो लीजिंग आउट कर रहा है कमर्शियल व्हीकल्स को, एंटाइटल डेप्रिशिएशन लगेगा हायर रेट से, 30 से लग जाएगा उस पर 15 की जगह, क्योंकि उसने लीज पे दे दिया। बेटा बाकी का पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, यहाँ तक का आई होप आपको समझ आ गया होगा। हमारी पर 1.5 घंटे का ये लेक्चर है, इसे प्रॉपर तरीके से देखिएगा, बहुत कम टाइम लगेगा आपको। और एक बार पूरा लेक्चर करने के बाद नोट्स जरूर बनाइएगा। अगर आपको पीजीबीपी का चैप्टर अपना स्ट्रॉन्ग करना है
तो आपके पास नोट्स भी स्ट्रांग होने चाहिए बेटा, राइट। नोट्स जितने अच्छे होंगे चैप्टर करने में मज़ा आएगा। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय श्री राम, थैंक यू सो मच। इसे ज़रूर कर लीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर से पहले।